हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हो मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी रिलायंस से 2019 में 15 करोड़ की सैलरी मिली, लेकिन अंबानी का ये जो घर है एंटीला, इसका सिर्फ लाइट बिल 9 करोड़ रुपयों का था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी कम सैलरी में इतनी लग्जरी वाली लाइफ जी रहा है। उसका आंसर सिंपल है दोस्तों। मुकेश अंबानी ने 2019 तक रिलायंस के 293 करोड़ शेयर्स होल्ड करके रखे थे और रिलायंस ने पिछले साल सिर्फ 6.5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो हुआ 19,000 करोड़। दोस्तों, ये है अमीर लोगों का राज। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की है मनी और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, और बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है सैलरी और अमीर लोगों की इनकम होती है डिविडेंड्स, जो हमेशा इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ ग्रो होती है। सैलरी के लिए आपको अपना टाइम बेचना पड़ता है, और जहाँ हम डिविडेंड्स की बात करें तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है, जिसका ये बहुत ही क्लासिकल और सिंपल एग्जाम्पल है। इसीलिए दोस्तों, अमीर लोग और अमीर होते हैं और मिडिल क्लास लोग वहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल गेम है। लेकिन दोस्तों, ये डिविडेंड्स होते क्या है, कंपनीज इन्हें देती क्यों है, क्या कोई इंसान जो मिडिल क्लास से हो वो डिविडेंड के बेसिस पे रिटायर हो सकता है, क्या ये डिविडेंड इनकम स्टेबल है, और इस डिविडेंड्स के फायदे या नुकसान क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की बात करते तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत लोग डर जाते हैं और उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, वो भी एकदम आसान शब्दों में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप अगर इसे स्किप कर दोगे तो हो सकता है आप वैसे ही सैलरी वाली लाइफ में फंस जाओगे। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हम इसे शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये डिविडेंड्स होते क्या है। इसका अगर मैं एक सिंपल और शॉर्ट सा आंसर दूँ तो वो ये होता है कि दोस्तों, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के 0.000 समथिंग मालिक बन जाते हो, मतलब उस कंपनी का छोटा सा टुकड़ा आपके नाम होता है। और जब उस कंपनी का स्टॉक आप होल्ड करके रखते हो तो आप प्रॉफिट्स के 0.000 समथिंग हकदार बन जाते हो। अगर उस कंपनी ने उस साल बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स कमाया तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट्स घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है। कंपनी के बोर्ड, जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को पे करना है या वो रिटेन करना है। तो दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड्स पे करती क्यों है। अगर ये कंपनीज बड़ी और मैच्योर है, जिसमें और ग्रोथ का स्कोप नहीं है, तो डायरेक्टर्स यूजुअली डिविडेंड पे करते। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, कि बहुत सारी स्टेबल कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल होता है और उनका प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है, ये कंपनीज ऑलरेडी आने वाले कुछ सालों के लिए कितना परसेंट डिविडेंड पे करने वाली है वो डिक्लेयर करके रखती है। जैसे इंडिया में बहुत सारी स्टेबल कंपनीज है जो ज़्यादा डिविडेंड्स पे करती है और उनका डिविडेंड्स काफ़ी स्टेबल है, तो फाइनली जब ये डिविडेंड्स कंपनी पे करती है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, जैसे आपकी सैलरी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक डिविडेंड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक से हम दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं, एक जब आप सस्ते में खरीदते हो और उसे महंगे में बेचते हो, और दूसरा जब आप स्टॉक को खरीद के होल्ड करके रखते हो। और दोस्तों, सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का यही है। और अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे, पिछले 100 साल में दुनिया के जितने भी अमीर लोगों ने अपनी दौलत बनाई है वो स्टॉक्स को होल्ड कर ही कमाई है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात सुनते तो हम हमेशा यही सुनते कि स्टॉक खरीदना कब है, बेचना कब है, लेकिन आप अगर वॉरेन बफे का रिकॉर्ड चेक करोगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्टॉक्स को बेचा ही नहीं है। उन्होंने वही कंपनी का स्टॉक्स बेचा है जो बिल्कुल खराब हो गई हो, वरना यूजुअली अच्छी कंपनीज के वो स्टॉक्स खरीद कर होल्ड करके रखते हो। जैसे आप यहाँ पे कोका कोला का एग्जांपल देख सकते हो, वॉरेन बफे को कोका कोला के सीईओ, जिसको पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा डिविडेंड्स मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इसमें इन्वेस्ट किया था और वो इसमें इन्वेस्टेड रहे। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम डिविडेंड की इनकम से रिटायर हो सकते हैं, क्या ये स्टेबल है। ठीक है, देख लेते हैं। दोस्तों, जब हम रिटायरमेंट की बात करते तो हमें एक कड़वा सच जान लेना चाहिए कि हम 99% इंडियंस रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारे लिए रिटायरमेंट प्लान मतलब हमारे बच्चे, ताकि जब वो बड़े होंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे। थोड़े बहुत लोगों के लिए उनकी प्रॉपर्टी का रेंट रिटायरमेंट होता है,
और बाकी थोड़े बहुत लोगों के लिए उनकी सेविंग्स होती है जो रिटायरमेंट में काम आती है, जो महंगाई की वजह से हर साल एकदम सूखे पापड़ की तरह हो जाती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सैड बात है। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और स्टॉक के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है क्योंकि वो बहुत रिस्की लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि हम डिविडेंड्स के थ्रू रिटायर कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक्स बहुत रिस्की है, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। इसमें नहीं इन्वेस्ट करना उससे बड़ा रिस्क है और ये चीज आपको वीडियो के एंड होने से पहले बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ मैं स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके होल्ड करने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे स्टॉक्स खरीदोगे जिसे आप सिर्फ खरीद कर बेचने की चिंता ही नहीं कर रहे हो। अब ये बात बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से जाएगी कि आप बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट्स कैसे कमाओगे। तो मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के दो तरीके, एक होता है कैपिटल गेन्स, दूसरा होता है डिविडेंड्स। तो यही चीज दोस्तों मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका डिविडेंड इन्वेस्टिंग दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए। दोस्तों जब आप कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के रखते हो तो आप यूजुअली 15% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप 1,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो अगले साल आपको 70 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल बाद भी आपको 70 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा और 20 साल बाद भी सेम 70 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप 1,000 रुपया स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको कंपनी सिर्फ 2% का डिविडेंड पे करती है तो आपको मिलेंगे 20 रुपये। लेकिन 10 साल बाद जब कंपनी 15% के रेट से ग्रो होती है तो उस स्टॉक का मार्केट प्राइस होगा 4,000 के ऊपर और कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से पे करेगी, यानी उसका 2% होगा 81 रुपया। तो यहाँ आपने कुछ साल सबर किया और उसका फायदा आपको रिटायरमेंट से पहले मिलना चालू हो जाएगा। और जब आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका स्टॉक प्राइस 15% के रेट से 16,000 रुपये का होगा और आपका डिविडेंड 300 रुपये के ऊपर का होगा। अब ज़रा कंपेयर कीजिए कहाँ 70 रुपये और कहाँ 300 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे राज की बात यह है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे और जितना लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे आपका फायदा उतना बढ़ते रहेगा। और ये चीज़ वॉरेन बफे ने काफ़ी अच्छे से समझ ली थी, इसीलिए वॉरेन बफे हमेशा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चुनते और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपका ओरिजिनल कैपिटल जो आपने 1,000 रुपये का पे किया था वो भी ग्रो हो रहा है। जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा और कुछ सालों बाद उस 1,000 रुपये की इतनी वैल्यू होगी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो भी ग्रो होगा और उसके साथ आपका इनकम भी ग्रो होगा। तो दोस्तों अगर आप अभी यंग हो अपने 20s या 30s में तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज करके आसानी से अपने 40th बर्थडे से पहले रिटायर हो सकते हो। और दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स में पैसे डूबने का डर है तो यहाँ आप 10 से 15 कंपनीज का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो आप डिविडेंड पेइंग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपको कंपनी की रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करके आपके लिए एक डेटा लेकर आया हूँ जो बिल्कुल आपके सामने है। ये पिछले 40 साल का इंडिया का डेटा है जिसमें आप देख सकते हो सेंसेक्स जो इंडिया का इंडेक्स है इसमें 30 बड़ी कंपनी का एवरेज ग्रोथ रेट ट्रैक होता है जिसने हमें ऑन एन एवरेज 15% का ग्रोथ प्रोवाइड किया है पिछले 40 साल में। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रिटर्न्स बिना डिविडेंड्स के है। तो अगर आप अपनी वर्किंग एज में डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट करते हो तो आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि उस छोटे से अमाउंट को रीइन्वेस्ट करने से कितना बड़ा फायदा होता है। दोस्तों ये सारा खेल कंपाउंडिंग का है जिसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत है। वॉरेन बफे हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी थी, वो ये, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी आप अगर सबर करोगे तो आप गारंटीड है कि आप उससे पैसा कमाओगे ही कमाओगे। और ये चीज आप इस आदमी के रिकॉर्ड को देखकर पता लगा सकते हो। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आज से लगभग 150 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने एक बात कही थी, Do you know the only thing that gives me pleasure? It is to see my dividends coming in. वो उसने क्यों कहा था ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों को इनकम का SMS सिर्फ एक कंपनी से आता है, लेकिन अमीर लोगों को उनकी इनकम का SMS 10-15 कंपनी से आता है। और दोस्तों लास्टली इन्वेस्टिंग काफ़ी सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। इस सिंपल प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लोग जो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं।
और कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टिंग हमेशा डिफिकल्ट रहेगी, जो कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते, जिनको लालच होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। और मेरे हिसाब से दुनिया में अमीर बनना इससे ज्यादा आसान पहले कभी नहीं था। आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस को सीखना होगा और फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि उनको भी फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।